अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समान प्रभा सूता ज्ञाहि कथा सार मम कर्ण रसायन। हमारे कानों को जो कथा एकदम रसायन के जैसी हो। आयुर्वेद में तीन तरह से औषधि जाती है, एक क्वाथ बनाकर रसायन बनाकर, एक घिस करके बूटी को और वैसे जड़ी को बोली बनाकर, और एक भस्म बनाकर। तो भस्म भी लाभ करती है, गोली के रूप में दी जाए तो भी लाभ करती है, पर क्वाथ जो होता है रसायन वो बहुत जल्दी लाभ करता है। तो सोनक जी कह रहे हैं हमें ऐसी कथा सुनाइए जो रसायन माने क्वाथ, उसका एकदम रसा, जो रस स्वरूप हो, सबका निचोड़ हो, ऐसी कथा। क्योंकि पुराण तो बहुत है, कब तक सुनेंगे। तो जो रस रस है वो रस हमें पिला दीजिए, हमें तो रस पीना है। भागवत तो रस ही रस है। निगम कल्प तरोरी गलितम फलम सुख मुकाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ यह वह रस है जिसको बड़े बड़े महामुनि पीते रहते हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वरदतो महा महामोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्थापित हो जाए। जो भक्ति ज्ञान बढ़ाने वाली कथा हो, जो वैराग्य को पुष्ट करने वाली कथा हो, और जिससे वैराग्य के साथ साथ विवेक उत्पन्न हो जाए। वैष्णव जन ऐसा क्या करते हैं जो भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण प्राप्ति का सस्वत साधन कृपा करके सुनाइए। सोनक जी बड़े सुंदर प्रश्न करते हुए कह रहे हैं चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम यो विदुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वो लोक सुख ही दे सकती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो स्वर्ग तक का वैभव वो दे सकता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों से कहो कि राधा कृष्ण से मिला दो, मिला देंगे ना। तो चिंतामणि भगवान से मिला सकती और ना कल्प वृक्ष भगवान से मिला सकता, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए तो सदगुरु गोविंद से मिला सकते हैं, ठाकुर जी से मिला सकते हैं। इसलिए आप हमें सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं, हे सूत जी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। मुनियों के मन का वह भगवत प्रेम, कथा के प्रति उनकी लालसा देखकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि जहां श्रोताओं में लालसा होना जिज्ञासा, तो कथा अपने आप निकलती है। और सच कहें तो कथा कही नहीं जाती, कथा कहलवाई जाती है। जब श्रोताओं के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव देखते हैं, प्रेम के भाव देखते हैं, तो अपने आप कथा जाने कहां से प्रकट हो जाती है। और श्रोता कहीं ऐसे बैठे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, कभी सेल्फी ले रहे हैं, और वक्ता महोदय भी सोचते हैं कि आरती कर रहे हैं। हैं? जहां रसिक मिले वहां अपने आप रस प्रकट हो जाता है।